What's up guys, welcome back to another YouTube vlog. First of all, I'm so sorry guys. मेरे vlog मैंने पिछले हफ्ते नहीं डाला, एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, I guess 8 days से ऊपर हो गया है. मैंने एक भी vlog नहीं डाला, I'm so sorry. मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था और इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया और vlog नहीं बना पाया. So now I'm fine. और मैंने आज डिसाइड किया आज vlog बनाना है, vlog कुछ भी करके vlog बनाना है. So we are here again near to India Gate and एक तरह से मेरा कार्डियो आज हो गया है. अप्रोक्स कितना किलोमीटर हमने करा होगा अभी? सिक्स टू एट, क्योंकि हम बीच में थोड़ी गलियों में भी घुस गए थे. उस टाइम लाइटिंग अच्छी नहीं थी इसलिए मैं वहाँ का थोड़ा शॉर्ट्स नहीं ले पाया, क्योंकि हम जब घर से निकले थे 5 बजे थे. प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताना किस किस को सुबह 5:30 से 6 के बीच में उठना पसंद नहीं है, वो भी विंटर्स में. मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे पता लग गया कि अगर मैं अब आगे अभी व्लॉग बनाऊंगा जब साइकिलिंग पे, क्योंकि मैं इसके अलावा फिटनेस और जो हमारी मैडनेस है उस पर व्लॉग बनाता रहूँगा, बट अब मैं साइकिल में जब भी व्लॉग बनाऊंगा मैं 6 बजे के बाद ही उठूंगा, क्योंकि यार सुबह उठा ही नहीं जाता. आई डोंट नो क्या क्या रोक लेता हमें कि हम उठ नहीं पाते सुबह. और वही मेरे साथ आज हुआ. मैं लिटरली ऑस्टन को मैंने 5 बजे कॉल करी, नहीं 4:30 कॉल करी. उसके बाद ऑस्टन रेडी होके बैठ गया 5 बजे और मैं रेडी भी नहीं हुआ. सो मैंने उसको कहा यार थोड़ा सा लेट चलते हैं, 5:30 चलते हैं. और मैं आई गेस 5:20 पे रेडी होना स्टार्ट किया मैंने, 5:20 पे लिटरली. और जल्दी जल्दी करके जो पहना जल्दी से, ठंड भी हो रही थी तो मैंने कहा यार थोड़ा ऐसा मोटा कपड़ा पहन लेती हूँ ठंडा ना लगे, इसलिए मैंने ये वेयर कर लिया. और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा विंटर वेदर के ऊपर ही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ. इसमें मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या बनाना था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने कहा सुबह की मॉर्निंग इन्जॉय करेंगे, सोबर सा व्लॉग बनेगा. और आई गेस बहुत अच्छे से मॉर्निंग इन्जॉय हो रही है, क्योंकि मिस्टर साहिल आज हमें पिच कर चुके हैं. वो आए नहीं, उन्होंने मुझे बोला था वो आएगा और सुबह उसका मैसेज आया, मैं नहीं आ रहा. और सेकेंड मिस्टर तरुण भाई साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे, उन्होंने भी यही बोला था कि कल पक्का डन आराम से चलेंगे, बट वो भी नहीं आए. तो आई नो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता होगा, आपके फ्रेंड्स भी आपको टिच करते होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. और ये भी अलग मज़ा है. और बाकी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सौरभ कहाँ है इतने दिनों से, मेरे व्लॉग्स में दिख नहीं रहा, क्योंकि उसकी अभी काउंसलिंग चल रही है उसकी कॉलेज की. सो वो उसकी प्रिपरेशन में लगा पड़ा है, वो जल्दी ही व्लॉग्स में आएगा. तो होप फॉर द बेस्ट. एंड जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जस्ट करता क्या लेट दी शो बिगिन, राइट? हियर वी गो. ऑस्टिन फिर से जगह का मुआवजा करते हुए अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम. हुमायूं टॉम एक और क्या कहेंगे, इट्स बेसिकली टूरिस्ट प्लेस इन दिल्ली. और क्या है, बस अगर आप खाली साइकिल चलाने से बेहतर है कि आप जाओ कुछ देख कर आओ, एजुकेट योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, डोंट बी टिकटॉक बनाते हुए. We'll be right back.
गाइस, सो अभी हम हैं हिमालयी टॉम पे और एक सबसे अच्छी बात है ये, यहाँ पर ना आप साइकिल ला सकते हो, अंदर आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो साइकिल पे घूमते घूमते। यहाँ पे साइकिल के लिए अलग से एक ट्रैक बनाया हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो देखो, वो ट्रैक है पूरा, वो पूरा ऐसे कवर कर रहा है। मैं इधर हूँ, मेरे को कवर कर भाई, मेरे को कवर करो, मैं पूरा कवर कर रहा। तो आप यहाँ पे घूम सकते हो साइकिल लेके, विच इज़ फ्री, साइकिल लाना अंदर फ्री है। बाकी आप इसकी टिकट ले सकते हो, विच इज़ 40 rupees फॉर इंडियंस। अभी बहुत सारे इंडियन, हमें 80 bucks देने पड़े, तो आई गेस आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो गाइज, ये जो है ना हिमालयी टॉम इस तरफ है, अगर आप इधर देखोगे तो ठीक है। और ये है वो मेन जगह जहाँ पे मैं आपको कह रहा था साइकिलिंग आप कर सकते हो। ये व्यू जा रहा है अंदर, तो दिस इज दिल्ली हेरिटेज पार्क, सुंदर नर्सरी पार्क। यहाँ पे 40 rupees का आपको टिकट लगेगी। अब अंदर जाओ साइकिल लेके, तुम मचाओ, हमने मचा ली, तुम भी मचा लो। ज़्यादा दूर नहीं गए आज हम, और आज तरुण और साहिल नहीं थे इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं गए। होपफुली नेक्स्ट टाइम बनेगा ट्रिप, होपफुली। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो पीछे ना साइकिलिंग लेन है, देख रहे हो आप पीछे पूरी साइकिलिंग लेन है, और आपको दूर तक कोई भी बंदा नहीं दिखेगा वहाँ पे साइकिल चलाता हुआ, सारे बंदे रोड पे दिखेंगे। तो यार प्लीज़ थोड़ा सेफ रहो, साइकिलिंग लेन इसीलिए बनी है। आई नो दिल्ली की साइकिलिंग लेन बहुत ख़राब है, कई जगह सही भी हैं तो उनको तो यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली साइकिलिंग लेन में साइकिल चलाओ। ओ एक सेकंड, मेरी साइकिल गिर गई। तो साइकिलिंग लेन पे यार साइकिल चलाओ, आई गेस बहुत ज़्यादा सेफ है। जहाँ साइकिल लेन थोड़ी ख़राब है नो प्रॉब्लम, वहाँ थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हो, हाँ चलो साइड में रोड पे चलाते थे, बट जहाँ बनी वहाँ तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ये एक तो कोई छोटा सा मैसेज हो गया, आपको फॉलो करना करो, नहीं करना आप, इट्स अप टू यू। ओके, सो विल बी बैक विद द न्यू व्लॉग सून, टिल देन टेक केयर गाइस। और हाँ, इसका नया लैपटॉप आ रहा है और उसका सीक्रेट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। विल बी बैक विद द न्यू व्लॉग सून अगेन, टिल देन टेक केयर गाइस, सी या, स्टे सेफ। Peace off bola। सो गाइस, हम साइकिलिंग लेन पे है, आप देख सकते हो साइकिल लेन पे साइकिल चला रहा हो, और साइकिल लेन के हालात थोड़े आप देखते हुए जाओ। ये अभी गीता कॉलोनी की तरफ रोड जो मुड़ रही है उस वाली साइकिलिंग लेन पे हूँ मैं। सो एक आपसे साइकिल चलानी पड़ रही है, जो कि मुझे ढंग से आती भी नहीं, बट नो प्रॉब्लम, वीडियो के लिए कुछ भी करेंगे। तो आगे आप देखिए, अब साइकिलिंग लेन के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे। अब यहाँ पे आई गेस साइकिलिंग लेन जो है उसका सरफेस पूरा प्लेन होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ से कुछ भी हो तेरी हो सकता है। और आगे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, वो आपको दिखेगी नहीं। ये गीता कॉलोनी वाली साइकिलिंग लेन है, लुक एट दिस। ओके, मतलब अब आगे आप देखो इतना, ये रोड जैसी है, इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए प्लीज़, क्योंकि साइकिलिस्ट के लिए भी एक सेफर जोन है साइकिलिंग लेन में चलाना। और ये देखो आप, बस साइकिलिंग लेन ख़त्म। सर जी कुछ कर दो,